पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर जगह लाशों के अंबार लगे हुए हैं। हर किसी की आंखें किसी अपने को खोने की वजह से नम हैं। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लॉकडाउन लगाया है, पब्लिक प्लेस में भीड़ इकट्ठा करने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ इंसानियत के दुश्मन और निहायत ही जाहिल लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और ना तो कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही घर पर बैठ रहे हैं। उल्टा बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जब कोई पुलिस कर्मी उन्हें समझाने के लिए जाता है तो उनके साथ बदसलूकी कर मारपीट की जा रही है, उनके साथ हाथापाई की जा रही है। इस बीच ऐसा ही एक खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से सामने आई है, जहां से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब पुलिसकर्मी युवक को समझा रहे थे कि बिना मास्क के घर से ना निकलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन उसके बाद उस युवक ने पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने युवक के परिजनों में से महिलाओं ने भी बदसलूकी करनी शुरू कर दी और पुलिसकर्मियों पर हाथ उठा दिया। तो फिर क्या था, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को भी थप्पड़ जड़ दिए और इस पूरी घटना का वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और पुलिस की ओर से इस वारदात को उनकी बर्बरता करार दिया। आइए अब आपको मामले से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक युवक बिना मास्क लगाए घूम रहा था। जब उसे बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की और मामला पड़ गया। फिर पुलिसकर्मियों ने इसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। सीसीटीवी और कैमरे में कैद हुई तस्वीरों और वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले किसी खतरनाक अपराधी को पकड़कर पीट रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दौरान युवक ने अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश की और वो नीचे गिर गया और सब इंस्पेक्टर ने गोली मारने के अंदाज में सरकारी पिस्टल निकाल ली। भाई को पुलिस वालों से पिटता देख युवक की मां और बहन ने उसे बचाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी की। इस पर पुलिस वालों ने दोनों को थप्पड़ मारे और जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान सूचना पर थाना कटघर के कोतवाल गजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और बिना मास्क लगाए युवक की तलाश शुरू कर दी और युवक के घर पहुंच गए। उसी समय पिस्टल तानने वाले सब इंस्पेक्टर ने वहां खड़ी महिलाओं के ऊपर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और ये सारा मामला पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस वालों का जबरन घर में घुसकर युवक और महिला से मारपीट करना, ये वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने उनके बचाव के लिए अमित आनंद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एक बयान जारी किया है और पुलिस वालों का बचाव किया है। एसपी सिटी ने कहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों से अभद्रता की गई। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस की दबंगाई का वीडियो वायरल हो गया और पूरी हकीकत सबके सामने आ गई। पुलिस वालों की गलती सामने आने के बाद एसपी सिटी इस मामले में मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि उनका भाई नमाज पढ़कर घर आ रहा था, लेकिन उसने मास्क नहीं लगा रखा था। इस बात पर पुलिस वाले उस पर ऐसे टूटे जैसे उनसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। पहले उसे सड़क पर पुलिस वालों ने जमकर पीटा, तो वहीं जब युवक अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर घुसा तो पीछे पीछे उसे मारने के लिए पुलिस वाले घर के अंदर तक घुस गए और गाली गलौज करने लगे। इस पर मेरी माँ और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और पिस्तौल दिखाकर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो देखा आपने, नियम पालन कराने के नाम पर लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन इसमें गलती उस युवक की भी है जो ऐसी महामारी के वक्त भी बिना मास्क लगाए सड़कों पर बेपरवाह घूम रहा है। जहां प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं उसकी युवक की ओर से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खैर, अब असल मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।